हेलो गाइस, ध्रुव पिजन लॉक के चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइस डेली का छत पे आ चुके हैं। तो जस्ट अभी छत पे आया था और अभी स्कूल से आया हूँ मैं, ठीक है। तो सुबह सुबह कबूतर को दाना पानी नहीं गिरा था मैंने, तो सुबह सुबह कबूतर को दाना पानी नहीं गिरा, तो अभी दिन में गिरूँ 12 बजे, ठीक है, 1 बजने वाले हैं, ठीक है, दिन के। तो ये देखो सारे कबूतर जालने वाले हैं और अभी कबूतर उधर खोलेंगे। मैं थोड़ा दिन में भी कबूतर खोल देता हूँ, पर अभी अभी खोलूँगा नहीं, क्योंकि जो है पट्टे वट्टे की धूप लगानी, क्योंकि पट्टे वट्टे ना सारे सही हो जाएंगे, पहले धूप उप पाएंगे ना। बारिश पड़ रही, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, इसी मारे ना थोड़ा सूख जाएंगे, मतलब गीले गीले सो रहेंगे, सीले सीले। कबूतरों में भी भाई सीजन आ जाती है, अलग सो जाता है अजीब से। तो धूप धूप लगी तो पट्टी करारे हो जाएंगे। तो पहले इनको प्लेट वेट में दाना गिरते, कूटी वूटी साफ करते अपने कबूतरों की, ये देखो, ठीक है। तो सुबह सुबह दाना पानी नहीं गिरा था ना मैंने, इसलिए तो अब आया हूँ दिन में। तो लोग पहले ना इनके कूटी वूटी निकालता हूँ, उसके बाद प्लेट में इनको दाना रखता हूँ, ठीक है। तो गाइस कबूतर को ना मैं इस प्लेट में दाना गिरूँगा, तो देखो इसमें ना भीड़ जम रही है, तो ना मैं इसको ना हटा रहा हूँ यहाँ से, देखो इससे भी होगी खराब चीज। तो गाइस अब जो है ना मैं दाना वाना डाल रहा हूँ कबूतर के लिए, ये देखो दाना भी कम हो गया हमारा, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दाना भी कम हो गया। अब ये दाना चलाऊँगा इनको आगे पीछे करके, तो दिन में शाम को ला के नीचे से कट्टा ला के, ठीक है, इनको ना दाना गिरूँगा उस बाल्टी के अंदर, फिर भर जाएगा ना, फिर इनको बड़े से दाना खिलाएंगे। मक्का वक्का भी लाना इनके लिए, ठीक है, क्योंकि अब इनको भराई भराई करवानी है बच्चों की बढ़िया से। चलो मैं जब तक दाना वाना नाप लेता प्लेट के अंदर। तो गाइस ये होगी हमारी प्लेट तरह, मैंने दाना वाना नाप लिया इसके अंदर। चलो कबूतर को दाना गिरते अंदर, प्लेट रखते हैं। ये दाना रख दिया मैंने इनको, ये देखो खारे कबूतर बढ़े से। गाइस तो ये पता नहीं कैसे मर गया, देखो छोटा सा बच्चा, मेरे को पता था क्योंकि इसकी ना भराई हो नहीं रही थी, क्योंकि ये जब ही मर गया। तो आओ दिखाता हूँ, तो ये देखो गाइस ये मर गया, ये पट्ठा मर गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मर गया, पर इसको भराई भराई तो हो रही थी। देखो गाइस इसके पोटे में भी दाना है, दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसके पोटे में दाना है, फिर भी पता नहीं कैसे मर गया, देखो आपको इसके पोटे में दाना है, फिर भी पता नहीं कैसे मर गया, सूख गया बिल्कुल, उसकी भराई वो भर नहीं रहा था बच्चा ना, थोड़ा बड़ा नहीं आ रहा था ये, पहले मैं कह रहा था उसका बस वही बड़ा बच्चा, एक बच्चा तो मर गया, ये देख लो गाइस आप क्या हो रहा है, एक बच्चा मर गया। चलो ये वैसे ढीला सा हो रहा था बच्चा, उसको मैं हार रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ रख दिया इस बच्चे को मैंने। चलो अब उन्हें भी दाना, इनके भी कुंडी निकाल के फिर इन दाना रख, तो ये ना इन्हें भी रख दिया मैंने दाना, ये देखो कबूतर खा रहे बिल्कुल बढ़िया से। चलो ये थोड़ा पानी आ रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा मैं पत्ती देना सब पानी को बाहर निकाल दूंगा, फिर ये जो है ना आराम से दाना खाते रहेंगे, सूखा सूखा हो जाएगा जाल, फिर बढ़िया से घूमेंगे, बच्चों की पढ़ाई होगी। थोड़ा गंद पड़ा नहीं करना चाहिए जाल के अंदर, देखो हमारे घर गंदा बना हो रहा है, मैं सुबह दाल साफ करके नहीं गया था ना, लेट आया था स्कूल से, इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो ना मैं सुबह सुबह साफ करके चले जाता हूँ जाल वाल, ये अपने बढ़िया रहता है बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, तभी गंदे हो जाते हैं कबूतर, देखो कैसे हो रहे हैं, ये मुँह पर देखो ऐसे गंदी हो रही है इसी बारे, अब इसको मेरे को लगा ध्यान देना पड़ेगा इन्हें अब। और गाइस ये देखो यहाँ पे ना बच्चा गिर गया, वो बच्चा इसे मार रहा है, और देखो लाल लाल बच्चा गिर गया गाइस, ये देखो ये गिर गया था, और बच्चे देख लेता हूँ, ये देखो इसका बच्चा साथ का भाई मर गया था, अभी दिखाया था ना मैंने, इसके साथ का मर गया, और ये तो इसकी भराई वराई तो हो रही है इसलिए, ये देखो मैंने बच्चे इसके साथ ना भी अंडे ही लग रहा है, इसके मैंने बच्चे नहीं निकले आज के अंडे ये भी। चलो गाइस कुंडी उंडी साफ करके फिर पानी भरते हैं। तो गाइस अभी भी कबूतर नीचे से ना बादल आ रहा हूँ मैं, ये देख लो भाई गाइस बहुत थक गया मैं, और मेरे कपड़े भी ना बहुत गंदे हो गए, पूरा कच्चा टांगा लाया था बाजरे का, अब देखो इसमें डाल दूँगा मैं, मेरे को फिर बाद में पता चला कि ना ऊपर वाले भी तो रह गए, ऊपर वालों के दाने ने दिया, जो थोड़ा सा दाना बचा हुआ था ना वो ही गिरा अंदर, ये देखो आप लोग ब्लर हो गया ना कैमरा, ये देखो गाइस, ठीक है थोड़ा दाना गिरता, अब मैं थोड़ा गेहूँ भी ले आऊँ, गेहूँ हमारा कट्टे के अंदर है, अब इनको बढ़िया से इनकी खिलाई जाएगी, ये देखो ठीक है ये गेम हो गया। चलो इसको डाल देता हूँ इसके अंदर, ये डाल दिया, ये वाली बाल्टी भी होगी, अब ये वाली बाल्टी भी डाल रहा हूँ, ये देखो भाई ये भी डाल दिया, अब ये हो गया ना, पहले एक डब्बी ऊपर वाले के लिए ले लेता हूँ थोड़ी सी,
एक कोने वाले जाल के लिए इनको घेर देता हूँ पहले मैं। तो गाइस मैंने एक डब्बी घेर दी और थोड़ा गेहूँ घेर मैंने, और देखो इसका बच्चा सही है, मतलब दाना पानी खिलाएगा ना, इसे ब्राई व्राई होगी तो बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा बहुत गाय मैंने गेहूँ भी ले लिया, गेहूँ भी घेर देता हूँ। तो गाइस वो देख लो गेहूँ भी घेर दिया मैंने, ठीक है आपको दिख रहा होगा। और थोड़ा गाँव ना थोड़ा गेहूँ नीचे वाले कबूतर को घेर देते हैं। अब देखना है कैसे सोख से खाएंगे। अब धीरे धीरे सारे आएंगे। चलो गाइस जब तक ना सब कबूतर को दाना पानी घेर देता हूँ, ठीक है फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मैंने कबूतरों का ना आगे से जाल साफ कर दिया दोनों जालों, ठीक है ये देखो दोनों जाल साफ कर दिए मैंने आगे से, क्योंकि गंदपना हो रहा था ना कीचड़ कीचड़ सा, तो ये देखो मैंने जाल साफ कर दिया ऊपर वाला जाल भी, जाल भी ये देखो गाइस जाला जाल भी साफ कर दिया मैंने आगे से, प्लेट थोड़ी आगे कर देता हूँ। देखो अभी आराम से खाते हैं गेहूँ, इन्हें भी गेहूँ घेर दिया मैंने बढ़िया से, और इन्होंने गेहूँ ख़त्म कर दिया और उन्हें भी गेहूँ कर दिया मैंने इन्हें भी, ठीक है और ना मैंने इन्हें भी गेहूँ कर दिया। देखो अब इन्हें पानी रखना है, कुंडी अपनी उतर है बोरी, और ये भी अपना बढ़िया है, और यहाँ पे भी देखो ठीक है, ये ना मैंने कुंडी अभी साफ़ करूँगा पतीला। तो गाइस मेरे जो है ना बहुत पसीना आ रहा भाई, धोबी बहुत तेज धूप हो रही थी, पर अब जो है ना मौसम थोड़ा सही हो गया, अभी धूप आती है फिर थोड़ी छाया सी हो जाती है, ठीक है। तो ना बच्चा दिखला देता हूँ, मैंने कुंडियों में पानी भर दिया कुंडियों में, ये देखो कुंडियों में पानी भर दिया, अब इनको रखने की बारी है। फिर थोड़ा बड़ा बस सारा सेट हो गया, गेहूँ भी घेर दिया, बाजरा भी घेर दिया, दोनों जालों को ऊपर भी घेर दिया, तो आराम से भराई भराई करेंगे तो आपको दिख लेंगे। तो ये बच्चा देख लो आप लोग, ये देखो गाइस पता नहीं यार कैसे मर गया, आप लोग देखो गाइस पता नहीं समझ नहीं आ रहा कैसे मर गया, ठीक है। चलो मैं से ना अब इसे मैं कुछ नहीं करने वाला इसका, तो मैं इसे कूड़े में फेंक देता हूँ, नहीं यार कूड़े में नहीं फेंकना, तो भाई मैंने इसे यहीं रख देता हूँ, ठीक है कूड़े में नहीं फेंकना बेचारा, ये देखो मैंने यहीं रख दिया इसे। चलो अपने का उतरा ना पानी पीने के लिए कर रहा है, अब इन्हें पानी रखते हैं। तो गाइस जो मेरे को काम करना था ना वो मैंने काम कर लिया है, ठीक है कबूतर को पानी वानी रख दिया मैंने, ये देखो लो ठीक है कबूतर को पानी वानी रख दिया, ये देख लो ठीक है ये कबूतर पानी पियेंगे, फिर दाना वानी तो रख दिया मैंने, और इन्हें भी रख दिया आप लोग देख लो, ये देखो इधर रखा हुआ ना कुंडी, तो ये देखो और देखो बच्चे की पढ़ाई हो रही है अपने, तभी तो थोड़े जाने, तो इधर भी देख लो गाइस अभी बच्चों को भराएगा, ये देखो गाइस ऐसे भराता है बच्चों को, ये देखो अपने मक्सी कबूतर को भी देख लेते क्या कर रहा हो, वो देखो वो तो आराम से बैठा हुआ भाई आराम से। चलो भाई सारा काम बढ़िया हो चुका है कबूतरों का, दाना पानी गेहूँ बाजरा वाजरा पानी वानी कुंडी धो के, ठीक है और ज़्यादा साफ कर दिया आगे आगे से कीचड़ सारा कीचड़ बाहर हो गया और साफ ऑफ कर दिया मैंने, सारे कबूतर बढ़िया हो गया मैंने चौकस, ठीक है सुबह मैं रख नहीं पाता क्योंकि सुबह ना जल्दी स्कूल जा रहा था, 7 बजे का स्कूल हो गया मेरा, और इस वजह से मैं दाना रख नहीं पाता, स्कूल जाऊँ इन्हें दाना रखूँ, इन्हें दाना रखूँ ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, स्कूल वाला गेट भी बंद हो जाता स्कूल का, तो इसीलिए ना तो अभी दाना बंद रखते, तो एक बच्चा भी मर गया मेरे को लग रहा इसीलिए मरा हो कि भराई भराई नहीं हुई, पर आपने देखा होगा कि पोटा भरा हुआ था उसका, इतना पोटा भरा होता तो फिर पता नहीं कैसे मर गया, ठंडा पड़ गया था बच्चा बिल्कुल, तो मैंने ना मारा सर आप देखा ही होगा ठीक है, तो वहाँ पर बच्चा पता नहीं कैसे मर गया गाइस, चलो कोई नहीं वो छोटा ही बच्चा था उसकी भराई भी नहीं हो रही थी ढंग से, तो दूसरा बच्चा था ना तो वो ठीक है मेरा, अब वो ढंग से पलेगा बताए क्या उसे, क्योंकि माँ बाप खिलाएंगे बाप भी खिलाएगा माँ भी खिलाएगी तो उसकी भराई अच्छी होगी, ठीक है तो यही है, और जो जंगला बच्चा भी धीरे धीरे सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे हमारे, बस मुझे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा इनको धूप लगानी पड़ेगी, ये देखो इन्हें जो है ना धूप लगानी पड़ेगी बढ़िया से तभी ठीक होंगे, पट्टे पट्टों को धूप लगाना ज़रूरी होता है। चलो फिर देखो दाना वाना मैंने रख रखा इसके अंदर, ये देखो, और गाइस मेरे को ना नेट लगाना बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि कल भी एक दो कबूतर निकल कोरी, कल मेरा एक कबूतर निकल गया था जंगला, वो देखो यहाँ से कबूतर पता नहीं कैसे निकल जाता, आपको दिख रहा है देखो कहीं भी छेद खुला नहीं है, आप उस पास से दिखला दूंगा ना कहीं भी छेद खुला नहीं है तो पता नहीं कहाँ से निकल जाता है, और कल तो पता एक दिन लाल पिल का कहाँ से निकल जाता, तो यूँ यहाँ पे चिपकते चिपकते ऊपर से निकल गया गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है, देखो नेट ऐसे लगाऊंगा मैंने कील से लगा रखा है, तो कील से लगा रखा है तभी ऐसा हो रहा है ना इसलिए, तो अभी जो है ना मैं शाम तक लगा दूंगा, शाम को भी ट्यूशन जाना है तो शाम तक लगा दूंगा उससे पहले 4 बजे करीब, तो अभी हो रहा है 1:30 हाँ 1:30 बज रहे अभी, तो ना शाम हम तो लगा देंगे नेट वेट, फिर आपको दिख लाएंगे नेट लग जाएगा ना फिर अगली वीडियो बनाएंगे, तो आज की वीडियो तो यहीं से माफ करने वाला हूँ मैं, और वैसे चाचा वाचा आ जाएंगे आज, चाचा आ जाएंगे क्योंकि चाचा गए थे एक हफ्ते के लिए गाँव,
तो फिर टाइम मेरे पास था, सारा कबूतर को दाना पानी मेरे को घेरना था ना, इसलिए। तो ये था गाइस आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोई भी कमेंट नहीं करता, ठीक है। तो सभी तभी तो पता चलता कि हमारी फैमिली कितनी सपोर्ट करती है हमें। तो गाइस सपोर्ट करा करो और कमेंट भी जरूर कर दिया करो, कुछ भी तो करो, कुछ भी कमेंट कर दिया करो गाइस, कैसा भी मतलब अच्छा लगता भाई को, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसे नहीं मिलता, अगली वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।